अगर आप या आपके पहचान में कोई स्टूडेंट सरकारी कॉलेज से MBBS करना चाहता है लेकिन नीट में 600 नंबर लाने पर भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं News 18 हिंदी ओरिजिनल्स। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सरकारी कॉलेज से MBBS करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, नीट की मुश्किल परीक्षा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। लेकिन कड़ी मुश्किल के बावजूद भी, अच्छी रैंक होने के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स हाई कट ऑफ के कारण सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने से चूक जाते हैं और ऐसा ज्यादातर उन राज्यों में होता है जहां आबादी ज्यादा और MBBS की सीटें कम होती है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे राज्यों के बारे में बताएंगे जहां आबादी के मुकाबले MBBS की सीटें ज्यादा है और यहां आप नीट परीक्षा में 500 नंबर लाने पर भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। नीट की परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है, मगर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 720 में से 620 अंक लाने वाले छात्रों को भी मुश्किल से सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। ऐसा आबादी के दबाव और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की अपेक्षाकृत कम संख्या की वजह से होता है। इस वजह से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली छात्र डॉक्टर बनने से वंचित रह जाते हैं। मगर देश में ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 510 से 520 नंबर लाने वाले छात्रों को भी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि यहां आबादी की तुलना में ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और यहां MBBS सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि इस साल देश के एक दक्षिणी राज्य में 510 नंबर के स्कोर पर सामान्य छात्र को सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला मिला है। ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में MBBS की कुल 5275 सीटें हैं। इसके साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 6000 सीटें हैं। इस राज्य की आबादी 7.65 करोड़ है, यानी करीब 14,500 की आबादी पर एक सरकारी मेडिकल सीट है। यही सबसे बड़ी वजह है जिससे दूसरे राज्यों की तुलना में यहां MBBS का कट ऑफ कम होता है। तमिलनाडु के चेंगालपट्टू मेडिकल कॉलेज में इस साल सामान्य श्रेणी के तहत नीट में 510 नंबर लाने वाले छात्रों को दाखिला मिला है। वहीं OBC छात्रों को 500 और SC छात्रों को 395 नंबर पर दाखिला मिला है। ये एक पुराना और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसी तरह कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में सामान्य सीटों पर 540 नंबर पर दाखिला हुआ है। देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होती है। इस व्यवस्था में एक प्रावधान ये भी है कि हर राज्य के मेडिकल कॉलेज में 85% MBBS सीटें ही राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। इसके अलावा 15% सीटों पर दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है। इस प्रावधान के तहत आप भी तमिलनाडु और देश के ऐसे दूसरे राज्यों के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस इसके लिए ओपन कोटा का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।